जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स की टीम के खिलाफ अंतिम ओवर में चाहिए थे 7 रन, फिर कुछ इस तरह से रविचंद्रन अश्विन ने करवाई गेंदबाजी कि पलट दिया था पूरा मैच, फिर मैदान पर हुआ कुछ ऐसा कि जानने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार अंतिम ओवर का पूरा रोमांच जो दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर की टीम के बीच में दूसरे क्वालिफायर मुकाबले के दौरान हम सभी को देखने के लिए मिला। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि हार का दुख झेल नहीं पाए पृथ्वी शो, बीच मैदान पर ही लेट कर फूट फूट कर रोने लगे पृथ्वी शो, फिर धवन ने आकर किया कुछ ऐसा कि जीत लिया करोड़ों लोगों का दिल। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे और ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे और भी मैच की तमाम बड़ी को जानने के लिए आप बने रहिएगा। और वहीं दोस्तों अगर आप भी जीत हार से परे दिल्ली कैपिटल्स की टीम के फैन हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने शारजाह में खेले गए आईपीएल 2021 के दूसरे क्वालिफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हरा दिया है, जहां पर इस जीत के बाद अब कोलकाता दुबई में होने वाले फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ भिड़ेगी। तो वहीं अगर केकेआर इस बार फाइनल में पहुंची है तो इसका श्रेय राहुल त्रिपाठी को जाता है, क्योंकि एक समय केकेआर की टीम को मैच जीतने के लिए 2 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी और तभी राहुल त्रिपाठी ने रविचंद्रन अश्विन की हैट्रिक गेंद पर छक्का लगाकर केकेआर की टीम को फाइनल का टिकट दिला दिया। लेकिन दोस्तों आखिरकार अंतिम ओवर में क्या हुआ था और क्या पूरा अंतिम ओवर का रोमांस था, आइए चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों बात यह थी कि अंतिम ओवर से पहले 19वां ओवर करवाने के लिए आए थे एनरिक नॉर्गिया, जहां पर एनरिक नॉर्गिया ने उस ओवर में मात्र 3 रन दिए और ऐसे में 1 विकेट भी उस दौरान उन्होंने हासिल किया। और ऋषभ पंत के पास गेंदबाजी में बस विकल्प बचा हुआ था रविचंद्रन अश्विन का, जहां पर अश्विन का 1 ओवर बचा हुआ था और अंतिम ओवर उन्हें ही वो डालना था, जहां पर अंतिम 6 गेंदों में रविचंद्रन अश्विन की केकेआर की टीम को 7 रनों की जरूरत थी। और ऐसे में दोस्तों 7 रनों की जरूरत कुछ ज्यादा खास बड़ी जरूरत थी नहीं, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने इस मुकाबले में ऐसी गेंदबाजी करी कि मानो उन्होंने हर किसी को भौचक्का कर रख दिया। दरअसल दोस्तों इस दौरान हुआ ये कि आखिरी ओवर में केकेआर को जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत थी, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने लगातार 2 बल्लेबाजों को आउट करके केकेआर के फैंस की धड़कनों को बढ़ा दिया था। और हालांकि राहुल त्रिपाठी इस दौरान नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे और ऐसे में जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज आ रहे थे उनके एक एक करके रविचंद्रन अश्विन विकेट चटकाते चले जा रहे थे और ऐसे में काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था कि इस मुकाबले को एक समय के लिए केकेआर की टीम अपने नाम करेगी भी या फिर नहीं। तो वहीं हम आपको बताएं कि रविचंद्रन अश्विन ने अपने इस अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर पहले तो शाकिब अल हसन को चलता किया और फिर उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सुनील नरेन, जहां पर सुनील नरेन को भी उन्होंने आउट किया। और ऐसे में अब 2 गेंदें बची हुई थी और 2 गेंदों में जीतने के लिए केकेआर की टीम को 6 रनों की जरूरत थी। हालांकि दोस्तों अब स्ट्राइक पर राहुल त्रिपाठी आ गए थे और रविचंद्रन अश्विन ने कोशिश की कि गेंद उनसे बिल्कुल दूर रखी जाए, लेकिन राहुल त्रिपाठी समझ गए कि अश्विन किस तरह की चाल इस दौरान चलेंगे और ऐसा ही हम सभी को देखने के लिए मिला, जहां पर उन्होंने 5वीं गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की छक्का जड़ दिया और इसी के साथ केकेआर की टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया और 3 विकेट से तो केकेआर की टीम जीती ही और साथ में फाइनल का टिकट भी अपना उन्होंने पक्का कर लिया। तो ऐसे में दोस्तों ये था पूरा अंतिम ओवर का रोमांच, जहां पर केकेआर की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन कर इस मुकाबले को जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अपनी जगह फाइनल कर लिया फाइनल मुकाबले के लिए। बाकी अब आपको क्या लगता है कि इस मैच को क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत सकती थी, और अगर जीत सकती थी तो ऐसी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से क्या बड़ी चूक हुई जिसकी वजह से उनकी हार इस मुकाबले में हुई है? आप अपनी कीमती राय और विचार इसको लेकर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में रोमांचक आईपीएल 2021 का क्वालिफायर मुकाबला खेला गया, जहां पर इस दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। जी हां दोस्तों, यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 3 विकेट से इस मुकाबले में हार मिली, जहां पर केकेआर की टीम ने शानदार प्रदर्शन के बलबूते पर इस मुकाबले को मात्र 1 गेंद रहते हुए ही जीत लिया। और वहीं हम आपको बताएं कि इस मुकाबले में जीत के हीरो रहे शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने 46 और 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली। तो वहीं अंतिम ओवर में राहुल त्रिपाठी ने छक्का लगाकर इस मुकाबले को कोलकाता की झोली में डाला और इसी के साथ कोलकाता की टीम का अब फाइनल का सफर भी तय हो चुका है। इस कारण वो कितने ज्यादा इस मुकाबले
मुकाबले में हारने के बाद दुखी थे। दरअसल यहाँ पर ऋषभ पंत जब मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान आते हैं तो वो कहते हैं कि इस मुकाबले में हमें जिस तरह हार मिली है उसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। मैंने मैच में चीजों को चुस्त दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की लेकिन दुर्भाग्य से मैं उन सीमाओं तक नहीं पहुंच पाया जहां तक मेरे को जाना चाहिए था। हम बढ़कर बल्लेबाजी नहीं कर पाए और यही हमारी हार का सबसे बड़ा कारण बना। वहीं दोस्तों फिर उन्होंने कोलकाता के गेंदबाजों को जीत का श्रेय दिया जहां पर उन्होंने कहा कि बीच के ओवरों में वास्तव में अच्छी गेंदबाजी उनके खिलाड़ियों की तरफ से देखने के लिए मिली। उनके खिलाड़ियों ने हमें बैकफुट पर ढकेलने का काम किया और उनकी शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर शायद वो इस मुकाबले को जीते हैं और अगले सीजन में कठिन वापसी हम करना चाहते हैं। अपनी इस हार को लेकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहेंगे। हमने इस आईपीएल के सीजन से काफी कुछ सीखा है, हमारी टीम ने बहुत कुछ सीखा है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अगले सीजन में वापसी कर और इस हार से भी हम जरूर कुछ सीखेंगे और अगले सीजन में वापसी कर मैच का पासा पलटने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, संजू सैमसन को अगली सूचना तक बीसीसीआई ने यूएई में रुकने के लिए कहा, जानिए वजह। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने अगले आदेश तक कुछ खिलाड़ियों को यूएई नहीं छोड़ने का फरमान सुनाया है। इनमें एक नाम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन का भी अब शामिल हो गया। वैसे तो सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य जो आईपीएल 2021 से बाहर हो गए हैं वो और वो टी20 विश्व कप 2021 की किसी भी प्रकार से टीम से नहीं जुड़े हैं, वो अपने स्वदेश रवाना होने के लिए उन्हें कह दिया गया है। लेकिन कुछ खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने अभी भी वहां रोकने का आदेश दिया है। जगह बनाने में विफल रही लेकिन बल्ले के साथ उनका फॉर्म कई लोगों के ध्यान में आया और आगामी टी20 विश्व कप के लिए भारत की अंतिम टीम की घोषणा 15 अक्टूबर को होगी और ऐसे में माना जा रहा है कि संजू सैमसन को टीम इंडिया में जगह मिल सकती है। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी ज्यादा बढ़िया बात है अगर संजू सैमसन को टीम इंडिया में जगह मिलती है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आईपीएल 2021 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में खेला जा रहा है जहां पर इंडियन प्रीमियर लीग के करो या फिर मरो के मुकाबले में कोलकाता के कप्तान ओयन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जहां पर दिल्ली के खिलाफ उनका गेंदबाजी करने का फैसला उनकी टीम के लिए बिल्कुल सही भी साबित होता हुआ दिखाई दिया। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव किया जहां पर तेज गेंदबाज टॉम करन की जगह पर इस मैच में मार्कस स्टोइनिस को दिल्ली की प्लेइंग 11 टीम में शामिल किया गया और आज कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 टीम में कोई भी बदलाव नहीं किया। वो अपनी उसी प्लेइंग 11 टीम के साथ उतरी जो कि आरसीबी के खिलाफ खेली थी। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में आरएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।